मगध प्रमंडल आयुक्त असंगबा चुबा आओ की अध्यक्षता में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर मगध प्रमंडल स्तरीय बैठक की गई। बैठक में आयुक्त ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि HRMS सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसमें सभी कर्मियों का प्रबंधन नए प्रणाली के माध्यम से होने वाला है। शेरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बुधवार को अनुमंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि लूट का योजना बनाते हुए डोभी थाना के क्षेत्र के धीरजा पुल के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3.15 बोर, 1 बम, 1 मोबाइल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि डोभी चित्रा रोड में लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपराधियों की गिरफ्तारी सोमवार की रात को हुई। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राहुल रंजन ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 4 व्यक्ति लूट की योजना बना रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर गई। रोड में सुशांत जगह धीरजापुर, वहाँ महुआ वाली गाड़ी और पिकअप की गाड़ी की लूट की कुछ वारदातें हो रही थी। उसमें एक क्रिमिनल है मुनारी यादव, उसका एक गैंग काम कर रहा था और बेसिकली ज़्यादातर महुआ के गाड़ी, महुआ वाला जो अवैध महुआ वाला झारखंड से गाड़ी वगैरह आता है रात वगैरह को, तो उसको लूटता था क्योंकि उसका केस भी नहीं होता था और अच्छा खासा इन लोगों को ये हो जाता था। तो उसी का अभियुक्त था, इस क्रम में इसके द्वारा अपने सहयोगी और एक महुआ व्यवसायी की हत्या भी की गई थी। तो हम लोगों को पुलिस को सूचना मिली थी कि आज भी लोग निकला हुआ है, उसके लिए टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई तो धीरजापुर के पास 4 अपराधकर्मी पकड़े गए। इसका मुख्य सरगना मुनारी यादव है, 10 साल का अपराधिक इतिहास है इसका, पहले भी जेल वगैरह 2-3 बार गया है और लगभग 1 दर्जन लूट डकैती के गंभीर कांड में ये संलिप्त रहा है। वृद्ध महिला ने तालाब में कूदकर की आत्महत्या, महिला की शिनाख्त नहीं हुई, पुलिस छानबीन में जुटी। गया शहर के सिविलियन थाना क्षेत्र के आयुक्त कार्यालय के सामने दिग्घी तालाब में आज एक वृद्ध महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने के बाद सिविलियन थाना की पुलिस दिग्घी तालाब पहुंची, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी के द्वारा महिला को बाहर निकाला गया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वयंसेवकों ने गया जिला गया के मुख्य गेट पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया। विद्यार्थी परिषद के सेवक ने कहा कि पीजी के नामांकन में पिछले साल के मुकाबले इस बार 4 गुना फीस को बढ़ा देने के विरोध में आज उन लोगों ने कुलपति का पुतला दहन किया है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में 30 अक्टूबर को होने वाले वार्षिक दीक्षांत समारोह में जामिया विश्वविद्यालय के छात्र सह पत्रकार गालिब रजा के भतीजे अल्तमश खां को राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।